आखिर कैसे भारत का सबसे सच्चा और पक्का दोस्त कहा जाने वाला रूस ही आज हमारे साथ धोखा करने के लिए मजबूर है। दरअसल आज पूरी दुनिया में कच्चे तेल के प्राइस $107 पर बैरल तक पहुंच गए हैं और ऐसे में कुछ दिन पहले रूस ने भारत को मार्केट प्राइस से 25% सस्ता तेल बेचा था, लेकिन अब तो रूस ने भारत को युद्ध के पहले वाले प्राइस यानी $75 पर बैरल वाले प्राइस से $35 सस्ता तेल देने की घोषणा की है। और अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत के लिए 65% का डिस्काउंट है। अब आप कहोगे कि इसमें कैसा धोखा, इससे तो भारत मालामाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके साथ रूस ने एक शर्त भी रखी है कि ये सारा व्यापार चीनी करेंसी युआन में होगा और कहीं ना कहीं इसके पीछे चीन का ही हाथ है। पर इससे पहले जानते हैं कि इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है। अब अगर भारत ये डील एक्सेप्ट करता है तो हमें सारा व्यापार चीनी करेंसी में करना होगा और अगर ऐसा हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज की नजर में भारत चीन का साथी बन जाएगा, जिसके बाद हम सदा के लिए पश्चिमी देशों का साथ खो देंगे और यही चीन चाहता है। अब यहां रूस की मजबूरी ये है कि उसे चीन से अपनी जरूरत का सामान खरीदना है, जिसके लिए उसे चीनी करेंसी युआन चाहिए और वो चाहता है कि ये युआन उसे भारत से मिले।